हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम आटा का डो स्टैंड मिक्सर में कैसे लगाते हैं। तो मैंने यहाँ आटा लिया है और इसमें अंदाज से पानी डाल रही हूँ। जैसे आप इसको हाई स्पीड पे, पहले मैं इसको 6 हाई स्पीड पे चलाती हूँ, एंड अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा थोड़ा करके वाटर डालती हूँ। उसके बाद जब ये डो होने लगता है तो देन आई रिटर्न इट टू लाइक 4 or 5 or 4। उसके बाद लास्ट में आप इसको मिनिमम 2 or 3 पे 1 or 2 मिनट्स फिर से डो कर सकते हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल डो तैयार हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो निकलता है स्टैंड मिक्सर पे। देखिए, मैंने इसे बंद कर दिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो निकल कर तैयार हो गया है। अब मैं इसे 2 तरीके से आपको दिखाऊंगी, टॉर्टिला या रोटी बनाकर, एक तो मैन्युअली और दूसरा रोटी मेकर पे। रोटी मेकर पे बनाने के लिए आपको इसे थोड़ा सा और पानी डाल के गीला करना होगा, तभी रोटी अच्छी बनती है और सॉफ्ट बनती है। मैं इसे 2 तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गीला नहीं किया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ रोटी मेकर पे बना करके। ठीक बनी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनी थी, मगर अगर आप इसे थोड़ा सा और पानी डालकर थोड़ा और गीला करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रोटी निकलती है। अभी आप देख रहे हैं मैं इसे रोटी या टॉर्टिला मेकर पे बना रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैन्युअली बनाकर, जो बिल्कुल रोटी फूली फूली निकलेगी।